तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपके पास मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना, और एक हम लोग डिग्री रिड्यूस करके भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो एट ए टाइम तो कोई एक ही करेंगे। तो चलिए पहले हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं, और इसका अल्टरनेटिव तरीका हम बताएंगे, जिसकी लिंक अगर हम इसमें कंटिन्यू नहीं करते हैं तो इसकी लिंक हम नीचे दिए रहेंगे, आप इसका दूसरा भी तरीका देख सकते हो। ठीक है, चलिए। तो हम लोग अगर आपके पास ये हमेशा तरीका एग्जिस्ट करेगा, जब भी साइन हो उसकी पावर ऑड हो, है ना, 3 हो गया, 5 हो गया या 1 हो गया, ये हमेशा पावर जब भी पावर ऑड होगी तो ये तरीका एग्जिस्ट करेगा। ठीक, क्या करेंगे हम लोग इसमें, एक साइन को अलग कर लीजिए हमेशा, है ना। तो साइन स्क्वायर 2x+1 टाइम्स क्या हो जाएगा आपका, साइन 2x+1 हो जाएगा, ठीक है, dx। तो ये आप हमेशा किया करिए, जब भी पावर ऑड हो, वो साइन हो या कॉस हो, हमेशा आपके साथ ये आप कर सकते हो। और ये जो बच जाता है उसको आप कॉस में ब्रेक कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x+1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि कॉस 2x+1 का डेरिवेटिव कहीं ना कहीं साइन है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कॉस ऑफ 2x+1 दैट इज इक्वल्स टू टी, क्या हो जाएगा आपका, -sin 2x+1 × 2। 2x+1 का भी डेरिवेटिव चेन रूल लगाएंगे, dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस और टू नीचे ले जाइए यहाँ पे, है ना, माइनस और टू हम नीचे ले आए, यहाँ से हटा दिए। ठीक, तो अब देखिए जब भी ऐसे करेंगे आप, पूरा क्वेश्चन आपका पॉलिनोमियल में चेंज हो जाएगा। आप इसको क्या लिख लोगे, दैट बिकम dt/-2, और यहाँ जो कॉस है वहाँ पे आप क्या लिख दोगे, टी लिख दोगे। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सिंपल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट बिकम इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस t² और ये हो जाएगा dt/-2, और ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हो, तो हम इसे बाहर लिख ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब इंटीग्रल क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर होता है, तो इन दोनों को अलग अलग क्या करेगा, ये इंटीग्रेट कर देगा, मतलब -1/2 ∫1 dt, तो ये हो जाएगा ∫1 dt। ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, कभी कभी आपसे ये गलती हो जाती है, 1/2 किसी एक ही से मल्टीप्लाई हो पाता है, तो ब्रैकेट लगा दिया करिए। ठीक है, और फिर t²dt, माइनस का इंटीग्रल ऑफ t²dt। ठीक, अब क्या आ जाएगा देखिए, बड़ा सिंपल है, -1/2 और ये हो गया 1 का, आ गया आपका t आ गया, और इसका क्या हो जाएगा आपका, -t³/3, n^(n)) वाला फॉर्मूला लग गया, n+1/(n+1) होता है, दैट इज अ प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट c। ठीक है, अब ये -1/2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1/2 हो जाएगा, जबकि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 × 3 = 6 हो जाएगा, इसे हम बाहर से हटा देते हैं ना, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, आपके पास स्पेस होगी आप करिएगा, है ना। उसके बाद ये तो आंसर इंटीग्रेट हो गया, आंसर आ गया, लेकिन ये आपका डमी वेरिएबल है टी, आप टी के टर्म में आंसर नहीं छोड़ सकते हो, आपको क्या देना पड़ेगा, टी क्या था आपका, cos 2x+1 था, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे cos 2x+1, तो 1/2 cos of 2x+1 और +1/6 times of cos³ 2x+1 और प्लस इंडेफिनिट कांस्टेंट सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, है ना, इस मेथड से। अगले मेथड से हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे।